नमस्कार भाइयों, मैं विश्व जैन और आज के स्टूडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिग डैडी ऑफ एसयूवीज के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के बारे में। ये वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखना, काफी ज्यादा न्यू फीचर्स एंड न्यू अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। एंड ये गाड़ी अब सिर्फ विद इन अ वन मंथ लॉन्च होने वाली है। तो ये कब लॉन्च होने वाली है, कब अनवील होने वाली है, वो भी सब हम इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो जो महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 एंड थार लॉन्च की थी, उसके अंदर महिंद्रा को एक काफी ज्यादा बढ़िया सक्सेस देखने को मिली है। ये दोनों ही गाड़ियां काफी एक दो सालों से टेस्टिंग हो रही थी, उसके बाद लॉन्च हुई थी। इनकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी एंड इनके अंदर फीचर्स भी जो है नेक्स्ट लेवल थे। वैसे ही महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो होने वाली है, इसके अंदर दोस्तों जो जून 2022 है यानी जो नेक्स्ट मंथ है, उसके अंदर ये गाड़ी होप सो अनवील हो जाएगी। इसके अंदर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यू एडेड फीचर, इम्प्रूव्ड स्टाइलिंग एंड रूमियर कैबिन देखने को मिलेगा। महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट हमेशा से इसकी डोमिनेटिंग स्ट्रीट प्रेजेंस रही है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी रोड पे काफ़ी ज़्यादा माचो एंड आप बोल सकते हैं तगड़ी दिखती है। तो वैसा ही ये वाली स्कॉर्पियो भी होने वाली है। महिंद्रा की जो डिजाइनिंग टीम है, उन्होंने ध्यान रखा है कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है बरकरार रखे। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो एग्रेसिव फ्रंट फेशिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर प्रोमिनेंट मल्टी स्लेटेड फ्रंट क्रोम ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बम्पर माउंटेड सी शेप्ड LED DRLs देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स का न्यू लोगो देखने को मिलेगा, जो कि पहली बार XUV 700 के अंदर यूज हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपको न्यू फीचर्स लाइक हेडलैम्प्स, बम्पर्स एंड वाइडर एयर डैम्स भी देखने को मिलेंगे। SUV के अंदर आपको बिगर सीट प्लेट्स भी देखने को मिलेगी, ताकि इसका जो रगेड प्रोफाइल है वो मेंटेन रहे। बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप रियर के अंदर साइड हिंज्ड जो है टेलगेट देखने को मिलेगा, यानी ये टेलगेट ऊपर की साइड नहीं साइड की साइड खुलेगा। कर लेते हैं तो इसके टेल लाइट्स है वो स्पोर्टी लुक एंड फील के लिए जो है डिजाइन करे गए हैं। तो बिग डैडी ऑफ एसयूवी के अंदर आपको बिग स्पेस भी देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर आपको स्पेशियस इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो कि पैक करता है काफी ज्यादा फीचर। अंदर कम्प्लीटली न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि डुअल टोन थीम एंड डुअल टोन अपोस्टर के साथ आएगा। इसके अंदर ये वाली जो अपोस्टर होगी वो काफी ज्यादा प्रीमियम मटेरियल की हो सकती है। एसयूवी के अंदर आपको न्यू लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगी, जिसके बाजू में वर्टिकली माउंटेड AC वेंट्स है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच बटन एंड रोटरी डायल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल केबिन का लुक, फील एंड एस्थेटिक्स काफी ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड बिल्ट-इन एलेक्सा का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल पैनल देखने को मिलेगा, जो कि बीच के अंदर एक मल्टी इन्फो डिस्प्ले जो है सपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो डिजिटल डिस्प्ले रहेगी वो रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टायर प्रेशर, टायर डायरेक्शन, डोर ओपन क्लोज, सीट बेल्ट रिमाइंडर, टेम्परेचर रेंज, ट्रिप मीटर, एवरेज स्पीड एक्सेट्रा जैसी इन्फॉर्मेशन जो है दिखाएगी। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो की फीचर्स की जो कि स्कॉर्पियो के अंदर होंगे, तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, न्यू गियर लीवर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड ऐसे कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो इसके अंदर फीचर्स जैसे कि क्रूज कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं न्यू स्कॉर्पियो के सीटिंग वेरिएंट्स के अंदर, तो 6 and 7 seater कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी, 2 liter टर्बो पेट्रोल एंड 2.2 liter टर्बो डीजल इंजन के साथ भी आएगी। बात कर लेते हैं तो दोस्तों इतनी ही इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है। नेक्स्ट मंथ ये गाड़ी जल्दी अनवील हो जाएगी। जब भी अनवील होगी तब और जब इसके न्यू फीचर्स आएंगे या न्यू अपडेट्स आएंगी, मैं आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा। इस चैनल पे मैं ऐसे ही कार न्यूज़, कार रिव्यूज़ एंड कार ड्राइव रिव्यूज़ जैसे ऑटोमोबाइल रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।